गाइस, आज के टैक्स के जानलेवा टॉपिक्स विद एग्जांपल की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं प्रिजम्प्टिव इनकम का। प्रिजम्प्टिव इनकम ऐसे तो बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बट इसके छोटी छोटी कुछ बारीकियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि एग्जाम में अगर इसका कुछ भी क्वेश्चन आए तो आपका आंसर कभी भी गलत ना हो। प्रिजम्प्टिव इनकम आप सब जानते हैं, आपके सिलेबस में 44AD, 44ADA और 44AE के सेक्शन में डिस्कस किया गया है। हम अभी जो है 44AD और AE को डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट और थोड़ा क्रिटिकल भी है। 44ADA इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। 50% का डायरेक्टली आप वहाँ पे प्रेजेंटिव इनकम ले लेते हैं इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड प्रोफेशन। चलिए, तो 44ADA और 44AE की मैं बात करता हूँ, ठीक है जी। तो बेसिक प्रोविजन अगर आपको याद दिलाऊँ 44AD का, तो काफ़ी सिंपल होता था कि भैया अगर आपका जो नॉर्मल टर्नओवर है उसके ऊपर मैं आपका प्रॉफिट ले लूँगा 8% ऑफ टर्नओवर, लेकिन अगर आपने फॉर्मल बैंकिंग चैनल से पैसा मंगवाया, यानी कि आपने अकाउंट पेई, चेक, ड्राफ्ट, NEFT, RTGS या फिर किसी भी और तरह का डिजिटल मीन्स से पैसा मंगवाया, तो वो हो जाएगा 6% ऑफ टर्नओवर। ये जो आप ऐड कर लेंगे तो आपको आपका प्रिजम्प्टिव इनकम मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि ये 6% ऑफ डिजिटल टर्नओवर तो आपको याद है, बट इसका एक बहुत छोटा सा बारीकी ये है कि ये 6% कब तक आप, मतलब ये 6% का रेट आप कब यूज करोगे, ये 6% का रेट आप कब यूज करोगे। तो आंसर इज अगर अगर टर्नओवर रिकवर्ड या कलेक्टेड वाया बैंकिंग चैनल बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, यानी कि जुलाई, अक्टूबर एंड नवंबर, यानी कि जुलाई, अक्टूबर, नवंबर से ऑफ द असेसमेंट ईयर, ऑब्वियसली जो आपकी ड्यू डेट होती है एनुअल रिटर्न भरने की, उससे पहले जो पैसा आप बैंकिंग चैनल से ले आए ना, उसी पे 6% का रेट आपके लिए एप्लीकेबल होता है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, लेट अस से अगर आपको बोल दिया जाए कि भाई आपका टर्नओवर है 1.7 करोड़, अगर आपका टर्नओवर है 1.7 करोड़, जिसमें आपको ये बोला गया है कि 50 लाख रुपया तो कैश सेल से आया है, आपको बोल दिया जाए कि 40 लाख रुपया जो है वो आप जो ये पेटीएम और वॉलेट्स के थ्रू आया है, तो डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू आया है, और ये डिजिटल पेमेंट्स रिसीव हो गए थे बाई 31/3/2023, यानी कि बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। बहुत ही बढ़िया। आपको बताया गया कि 30 लाख जो है वो भी डिजिटल पेमेंट्स के थ्रू आया है बाई 01/06/2023। अगेन आई डोंट नीड टू टेल यू, ये प्रीवियस ईयर है, ये असेसमेंट ईयर है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/6 तक भी अगर आ गया, यानी कि जून तक वो पैसा अगर आ गया, तो वो जुलाई, अक्टूबर, नवंबर की जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है उससे तो पहले ही आ गया ना। अगर उससे पहले ये पैसा आ गया है तो ये भी 6% के लिए एलिजिबल है, ये भी 6% के लिए एलिजिबल है, ये तो बाई डिफॉल्ट कैश है तो 8% में जाएगा। नाउ प्रॉब्लम इज कि रिमेनिंग अभी भी आया नहीं है, रिमेनिंग येट टू बी रियलाइज्ड, ठीक है। तो 50 + 40 = 90, 90 + 30 = 120, 50 लाख का तो अभी भी आना बाकी है। बोलिए बात समझ में आई या नहीं, समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 40 + 30 70 लाख के टर्नओवर पे आपकी प्रिजम्प्टिव इनकम होगी 6%, यानी कि 4,20,000, 4,20,000। एंड अगर रिमेनिंग की बात करें तो ये 100 लाख पे आपका आएगा 8%, यानी कि 8 लाख, और टोटल हो जाएगा आपका 12.4
2 lakhs. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. एक छोटा सा नोट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ अगर कि कौन कौन से लोग इन एलिजिबल हैं फॉर 44 AD. आपको ऐसे याद रखना है कि AD का मतलब होता है ऑल धंधा, यानी कि लगभग हर तरह का काम करने वाला व्यक्ति यहाँ पे एलिजिबल है, लेकिन ऑल एसेसी एलिजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या कंपनी इसका फ़ायदा उठा सकती है? नहीं. क्या कोई LLP इसका फ़ायदा उठा सकता है? आंसर इज नहीं. और कौन से सिर्फ स्पेसिफिक बिजनेसेस हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते? तो वो भी बहुत सिंपल है. बैट याद रख लीजिएगा आप, बैट वाले लोग एलिजिबल नहीं है. बैट मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी इनकम ब्रोकरेज या कमीशन के माध्यम से कमाता है वो एलिजिबल नहीं है. कोई ऐसा व्यक्ति जो एजेंसी बिजनेस करता है वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर कोई ट्रांसपोर्ट यानी कि गुड्स के ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ट्रक व्हीकल्स रखता है अपने पास में, तो वो व्यक्ति भी इसके लिए एलिजिबल नहीं है. फॉर अ वेरी सिंपल रीजन कि इसी के लिए तो हमने स्पेसिफिकली 44AE का सेक्शन बनाया है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ को एक्सीड करता है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं. इतना आप अगर याद रखते हैं तो आपको 44AD में कोई परेशानी नहीं होगी. हाँ, ये याद रखिए कि क्योंकि उन्होंने यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपका 100% के टर्नओवर में से 92% माफ़ कर दिया है, सिर्फ 8% को आपके इनकम मान रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे कोई सैलरी, कोई रेंट, कोई इंटरेस्ट, ऐसे कोई भी खर्चे आप क्लेम नहीं कर सकते. नो अदर एक्सपेंस शैल बी अलाउड. चलिए, कंटिन्यूइंग द टॉपिक, 44AE को भी मैं इसी टॉपिक में कवर कर लेता हूँ, इसी वीडियो में कवर कर लेता हूँ. अलग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा ये वीडियो लेंदी हो जाएगा बिकॉज 44AD और AE दोनों कवर करते हैं तो थोड़ा टाइम लग जाता है. बट आप इन दोनों टॉपिक्स को एक साथ देखिएगा बिकॉज ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम में वेरी हाई प्रोबेबिलिटी की इस बार पूछे जाएंगे. तो 44AE का क्या था? जो लोग गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उसके व्हीकल्स यूज करते हैं, तो उसके केस में आपको क्या याद रखना है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ये पॉइंट है, छोटा सा, गलती नहीं होनी चाहिए, कि आपके पास पूरे साल में कभी भी 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे. नॉट मोर देन 10 व्हीकल्स एट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर. ठीक है, साल में कभी भी आपके पास में 10 से ज़्यादा व्हीकल्स नहीं थे, इस बात का आपको ध्यान रखना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि भाई यू स्टार्टेड द ईयर तब आपके पास में 7 ट्रक्स थे, आपने फिर 15/6/2022 को 4 ट्रक्स खरीदे, एंड लेट अस से 17/6/2022 को आपने 2 ट्रक्स ये परचेज किए और ये सेल कर दिए. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास 7 था, फिर प्लस 4 11 हो गया, फिर -2 9 हो गया. बट स्टिल फॉर द डेट ऑफ 15th एंड 16th आपके पास में 10 से ज़्यादा ट्रक हो गए थे. एक 365 साल के दिन में सिर्फ 2 दिन ऐसे थे जब आपके पास 10 ट्रक हो गया था, तो भी आप इनएलिजिबल हो जाएंगे और आप इस सेक्शन का लाभ नहीं ले पाएंगे. तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है. दूसरा तो जो बेसिक इसमें कैलकुलेशन होती है, तो आपको याद रखना है कि अगर एक लाइट वेट व्हीकल है तो उस पे इनकम कंप्यूट करी जाएगी 7,500 रुपया पर मंथ पर व्हीकल. ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि अगर किसी व्हीकल को आपने 1 month 3 days यूज़ किया तो उसे 2 months माना जाएगा. ओके, अगर आप किसी व्हीकल को 1 month 3 days यूज़ करते हो, यानी कि इट इज़ पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. सिंपल, बहुत ही बढ़िया. फिर है अगर कोई हैवी वेट व्हीकल है,
अगर कोई हैवी वेट व्हीकल है तो उसका ट्रीटमेंट आप कैसे करेंगे? तो आंसर इज वहाँ पे, पहली बात तो हैवी वेट व्हीकल होता क्या है, तो जिसका वज़न 12,000 kgs या फिर 12 टन से ज़्यादा हो क्रॉस व्हीकल वेट, उसको आप हैवी वेट व्हीकल मानेंगे। और उसके केस में आपको मल्टीप्लाई करना है 1,000 rupees इंटू, यानी कि 1,000 rupees पर टन पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ, ठीक है जी। तो ये दो तरीके का वेरिएशन है जिसमें आपको हैवी वेट और लाइट वेट व्हीकल को ट्रीट करना है। अब अगर आपको 44AE का सम सॉल्व करना है, तो इसके दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप मंथ वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं, और एक होता है कि आप व्हीकल वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक तो आप मंथ वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक आप व्हीकल वाइज कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो कैसे आप इसे हैंडल करेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। लेट अस से आपके पास में बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 4 लाइट वेट व्हीकल्स थे, ये नॉन हैवी बोला जाए चाहे लाइट वेट बोला जाए चाहे कुछ नहीं बोला जाए, अगर सिर्फ आपको मान लो ऐसा भी बोला कि 5 व्हीकल थे तो भी आपको क्या मानना है कि वो लाइट वेट है। हैवी वेट के लिए स्पेसिफिकली उनको वेट बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो किलोग्राम्स या टन बताते नहीं आप 1,000 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे। तो अगर कभी भी वेट नहीं बताया हुआ है, 5 व्हीकल बोला हुआ है या फिर लाइट वेट व्हीकल बोला हुआ है, तो आपको हमेशा 7,500 वाला ही ट्रीटमेंट करना है। तो 1/4/22 को 5 थे, 15/6/2022 को लेटेस्ट से आपने 2 व्हीकल्स परचेज कर लिए, यहाँ पे भी कुछ बोला नहीं है तो मैं उसे लाइट वेट ही मानूंगा। उसके बाद में 4/7/2022 को आपको बताया गया कि आपने एक ओल्ड व्हीकल सेल कर दिया और 2 न्यू व्हीकल वेइंग 13,000 kgs ईच परचेज कर लिए, ठीक है जी। 13,000 kilo वाले आपने 2 व्हीकल परचेज कर लिए, बोलिए बात समझ में आ रही है? आंसर इज ओके, वेरी गुड। तो अब आपको क्या करना है, दो तरीके मैंने आपको बताए, एक आप इसे कर सकते हो व्हीकल वाइज और दूसरा मंथ वाइज। तो आइए हम इसे पहले व्हीकल वाइज सॉल्व करना, आपको जो तरीका ज़्यादा अच्छा लगे आप वही वाला यूज़ कीजिएगा, आई एम लीविंग दैट ऑन यू। तो अगर मैं इसे व्हीकल वाइज सॉल्व करने जाऊँ तो मुझे पता चलेगा कि मेरे पास में 5 एग्जिस्टिंग व्हीकल्स थे, ठीक है जी। अब अगर आपके पास में ये 5 एग्जिस्टिंग व्हीकल्स थे, इनका क्या हुआ, तो आपको पता है कि इनमें से मैंने 4 को तो फुल ईयर यूज किया और एक को सेल कर दिया। कितने दिन यूज करने के बाद में, तो आपने उसे बेचा था 4/7, यानी कि 4th महीने वो यूज हुआ, आंसर इज यस। 5वें महीने यूज हुआ, आंसर इज यस। 6ठे महीने यूज हुआ, आंसर इज यस। 7वें महीने में भले ही आप उसे 4 तारीख को बेचते हो, लेकिन हम पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ कैलकुलेशन करते हैं, तो या तो हम 3 मंथ्स लिखते हैं या 4 मंथ्स लिखते हैं, बीच का कुछ नहीं। तो क्योंकि ये 4 दिन यूज हुआ था तो वो मंथ भी काउंट हो जाएगा, तो ये 4 मंथ्स यूज हुआ। ये फुल ईयर यूज हुए तो ये 12 मंथ्स यूज हुए, तो ये आपके एग्जिस्टिंग व्हीकल हो गए। नया व्हीकल आपने क्या किया, आपने 2 न्यू व्हीकल्स खरीदे। ये जो 2 न्यू व्हीकल्स खरीदे, कब खरीदे गए, 6th मंथ में, यानी 4th और 5th में नहीं थे, 6th ऑनवर्ड्स ये थे, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं कि आपने इनको 10 मंथ्स यूज किया। उसके बाद में आपने 2 हैवी वेट व्हीकल खरीदे, ये कब खरीदे गए, 7th मंथ में, यानी कि 4th महीने में नहीं थे, 5वें महीने में नहीं थे, 6ठे महीने में नहीं थे, 7th से लेके थ्रू आउट द ईयर थे, यानी कि मैं कह सकता हूं कि इनको आपने यूज किया होगा 9 मंथ्स के लिए, इनको आपने यूज किया होगा 9 मंथ्स के लिए। अब आपका काम बड़ा आसान हो जाता है। देखिए 4 ट्रक्स हैं, महीने कितने हैं, 12,
एक महीने की वैल्यू कितनी लेनी है? 7500। 7500 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 15 30 30 इंटू 12 करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। एक ट्रक को आपने बेचा लेकिन फिर भी 4 महीने तो यूज किया था, तो उसको 4 महीने, ट्रक एक है, वैल्यू जो है 7500 है, तो ये आपका आ गया 30,000। बहुत बढ़िया। फिर है टू न्यू व्हीकल्स, आपके पास में 2 नए व्हीकल हैं, इनको आपने 10 महीने यूज किया, तो नंबर ऑफ व्हीकल कितना है? 2। नंबर ऑफ मंथ्स कितने हैं? आंसर इज 10। वैल्यू कितनी है? 7500, तो ये हो जाएगा 15,000 × 10 यानी कि 1,50,000 रुपए। इसके बाद में आपके पास में 2 हैवी वेट व्हीकल्स, क्योंकि आप 2 हैवी वेट व्हीकल हैं, तो व्हीकल हो गए 2 और उनका वेट है 13 टन का। 13 टन का वेट है यानी कि मैं हर टन पे 1,000 रुपए लूंगा, तो ये हो जाएगा 13,000। और मंथ्स कितने हैं? तो आंसर इज 9, है ना? तो सेम फॉर्मेट में अगर मैं रखूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो ट्रक हैं 2, महीने हैं 9 और वैल्यू है 13,000। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 26 × 9, 2,60,000 में से 26,000 कम, यानी कि 2,34,000। आई होप आपको ये बात समझ में आई। 390, 440, 540, 574, 774, 774,000 की वैल्यू आपकी आ गई। अब अगर मैं इसे मंथ वाइज सॉल्व करता, गाइज अगेन आई वुड वॉन्ट टू रिपीट, ये सीरीज जो है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ाई अच्छे से शुरू कर दी है, कुछ टॉपिक्स उनको डिफिकल्ट लग रहे हैं, उनको यहाँ पे सहायता मिलेगी। अगर आप स्क्रैच से ये सब टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो शायद ये आपके लिए बेस्ट सीरीज नहीं है। आप मेरा फुल फ्लेज्ड रिविजन जो वीडियोज़ अपलोड करे हुए हैं उनको देखिए, उनमें फिर भी ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करी गई है। दैट विल हेल्प यू मोर देन दीज वीडियोज, या फिर आप उनको देखने के बाद यहाँ पे आ सकते हैं। आइए मंथ वाइज अगर अपने इसको समझने की कोशिश करें, मंथ वाइज अगर मैं बात करूँ तो मंथ में मुझे क्या देखना है कि ये डिटेल्स जो थी हमारे पास में, फोर्थ मंथ में कुछ भी नई हलचल हुई? आंसर इज नहीं। फिफ्थ मंथ में कुछ भी नई हलचल हुई? आंसर इज नो। यानी कि अप्रैल और मई में कोई हलचल नहीं है। मेरे पास 5 ट्रक हैं, महीने 2 हैं, हर ट्रक पे मुझे 7500 की वैल्यू कंसिडर करनी है, तो ये आएगा 75,000। अच्छा जी, जून में क्या होता है? जून में परेशानी ये हुई कि आपने 2 नए ट्रक खरीद लिए, यानी कि हाँ 5 थे, 2 व्हीकल आपने नए खरीद लिए, तो जून में जो आपने 2 नए व्हीकल खरीदे उनका क्या ट्रीटमेंट होगा? आपके पास ट्रक कितने हो गए? 5 + 2 = 7, महीना कितना है? 1, वैल्यू क्या है? 7500, तो 7 × 7 = 49 और 500 × 7 = 350, तो 52,500। बढ़िया। फिर क्या जुलाई में भी कुछ हलचल है? आंसर इज यस, जुलाई में काफ़ी हलचल है। जुलाई में एक को बेचा भी गया है, 2 नयों को खरीदा भी गया है। अब आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जुलाई में भले ही मैंने ये 1 ओल्ड व्हीकल को बेच दिया है, बट इसको मैं फिर भी काउंट करूंगा क्योंकि 4 दिन यूज करके बेचा गया है, यानी कि जुलाई में जो पुरानी चीजें चल रही थी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 7 ही आएगा, महीना 1 ही आएगा, 7500 ही आएगा, तो ये 52,500 ही आया। लेकिन एडिशन इसमें क्या हो जाएगा कि 2 आपने नए हैवी व्हीकल खरीदे, तो ट्रक हैं 2, महीना है 1 और वैल्यू है 13,000 रुपए की, तो ये हो जाएगा 26,000 रुपए। तो 52 और 26 ये हो गया 78 और 500 यानी कि 78,500। इसके बाद आएगा अगस्त, और अब अगर आप ऑब्जर्व करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में कोई वेरिएशन नहीं है,
तो आप पूरा का पूरा अगस्त से मार्च तक एक साथ कंसिडर कर सकते हैं, जो हो जाएगा 4 माइनस कर दिया 12 से 8 महीने। 8 महीने के दौरान आपके पास में जो पुराने ट्रक्स थे, आपको याद है कि जुलाई में आपने एक बेच दिया तो 7 में से एक चला गया, तो बचा कितना, 6 ट्रक। महीने कितने हो गए आपके, 8, और हर ट्रक की वैल्यू कितनी हो गई, आंसर इज 7,500 रुपये। तो अगर आप इसे कंसिडर करो, 8, 6, 48 into 7 आप मल्टीप्लाई करें, 5, 7, 3.5, 2 कम कर दिया और 3.5 आपका बढ़ गया, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, अच्छा दूसरा तरीका, 7.5 into 6 कर सकता हूँ मैं, 15, 15, 15, 45, 45 into 8, तो ये वैल्यू आ जाएगा मेरा 360,000। प्लस मैं करता हूँ जो दो भारी ट्रक थे, तो ट्रक थे 2, महीने यहाँ पे भी 8, वैल्यू यहाँ पे 13,000, तो ये हो गया 26, 26 into 8, इस बार आपको 2,60,000 में से 52 कम करना है, तो 2,08,000, तो ये टोटल आप करते हो तो हो जाता है 5,68,000। टोटल करेंगे 1,000, 1 यहाँ पे आ जाएगा, 8, 16, 18, 5, 23, 7,74,000, सेम एज बिफोर, जो पहले आंसर आया था वही आंसर यहाँ पे भी आ गया। आपको ये अच्छा लगे या फिर आपको पुराना वाला मेथड अच्छा लगे, जो अच्छा लगे उसे यूज़ कीजिए। आई होप अब आपको 44AD, 44A में कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई परेशानी होती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपके कोई दोस्त हैं जो 44AD, AE को लेकर परेशान है, तो उनके साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कीजिए, दिस इज़ गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।